हाय बच्चों, आज हम काफी समय बाद आपसे मिल रहे हैं। तो खट्टी मीठी रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं और ये चॉकलेट ट्रफल्स। अपनी ये प्यारी सी डिश बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेने होंगे ये ओरियो बिस्किट्स, ठीक है। उसके बाद हमने लेना है ये नारियल का बूरा है, ये बटर, थोड़ा सा दूध, ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल्स हैं ये, और ये चॉकलेट के स्ट्रिप्स हैं। तो हमने ये सबसे पहले लेने हैं बिस्किट्स। इन बिस्किट्स को हमने हाथ से इस तरीके से तोड़ देने हैं, ठीक है। इसे आप बाद में मिक्सी में पीस लेंगे, इसका पाउडर बन जाएगा। और इसके बीचों बीच हमने क्या करना है, थोड़ा सा दूध डालना है बाइंडिंग के लिए, थोड़ा सा चॉकलेट का, बस। अब इसे हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इनको हम मिक्स कर देंगे। आप इसके अंदर दूध की जगह मक्खन भी डाल सकते हैं, मैं मक्खन नहीं डाल रही हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप दूध डालिए या मक्खन डालिए। देखिए हम अब शुरू कर रहे हैं, ये हाथ से ही बनेंगे। हाथ अपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना और इसका आपने छोटी सी बॉल बना लेनी है, ठीक है, इस तरीके से। बच्चों को बहुत सुंदर लगेंगी ये देखने में, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये बनेंगे। अब दूसरा भी हम इसी तरीके से लेंगे, इसमें हम नारियल लगाएंगे। बच्चों की पार्टी में आप बनाइए, सारे बच्चे खुश हो जाएंगे कि ये तो बहुत बढ़िया चीज बनी है, और वो भी ओरियो बिस्किट के साथ। ऐसे आपने सारे बिस्किट्स बना लेने हैं, सारे बिस्किट्स का ऐसे बना लेने हैं। अब इसको हमने इस तरीके से लगा लेना है। अभी और बनेंगे साथ साथ। कैसे लगी हमारी ये प्यारी सी रेसिपी, मुझे लगता है आप लोगों को सबको बहुत पसंद आई होगी, खासकर छोटे छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। इसे हम 2-3 दिन के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे, तो ये बड़े आराम से रह सकती है। तो इसको आप लोग रखिए, खाइए और मुझे बताइए कि कैसे लगी आपको हमारी ये रेसिपी। Okay, thanks for watching my video. Bye.